की कोशिश है, थोड़े बहुत शॉट्स और दिए जा रहे हैं। अपने टीममेट्स को पीछे तो नहीं छोड़ना चाहिए टीम सोल, डेफिनेटली ये लोग भी आगे जा रहे हैं, उनको पता है कि यहां से फाइट लेकर के आगे मूव करना, लेकिन पहले रिवाइवल बहुत ज्यादा जरूरी है। एक ग्रेनेड का इस्तेमाल किया जाएगा, एक ग्रेनेड अगर लग गया तो डेफिनेटली मुश्किल हो जाएगा। ग्रेनेड लगा भी है, गया भी है, एक प्लेयर खत्म किए जाएंगे और एक यहां पर नॉकआउट देखने को मिलता हुआ। अक्षत गए थे अपने टीममेट को बचाने के लिए, लेकिन दिक्कतें उनके लिए हो चुकी हैं। हेक्टर को आगे मूव करना है, ओमेगा को आगे मूव करना है, और ये जो सारी फाइट्स हैं सोल ग्लोबली स्पोर्ट्स गॉडलाइक फर्स्ट सेकंड थर्ड, इट्स स्टिल ऑन राइट नाउ। ओशन, डोंट यू थिंक कि जोन का डैमेज इतना नहीं है, दे कैन गो बैक एंड हील अप अक्षत, बट एक चांस हो सकता है अगर आपने उसको हील करा यहाँ पे अक्षत को, देन जोन के अंदर जो प्राइम पोजीशन है वो आप नहीं ले पाएंगे। कम से कम 15 सेकंड का डिले ऐड करेंगे अक्षत, यहाँ पर जाना भी पड़ेगा, रिवाइव भी करना पड़ेगा, वो हील करेगा, उनको लेके आना पड़ेगा। ये कम से कम 15 से 20 सेकंड का पूरा खेल है और उतनी देर में कोई अच्छी पोजीशन और ले सकता है। वहीं पे जस्टिन ओमेगा को नॉक कर देंगे, वो जो थ्री व्हीलर था, इट्स नॉट लकी फॉर देम, और टीम सोल इज गेटिंग एलिमिनेटेड एट 13 पोजीशन विद 2 फिनिशेस। यहाँ पर पोजीशन का कुछ तो नहीं मिलेगा, बट प्लेसमेंट, यहाँ पर जो फिनिशेस है उनके दो